तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, इनकी हालचाल, होप सब बढ़िया ही होगा। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह बिष्ट स्वागत करता हूँ उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो फ्रेंड्स, सीन ये है ना, बारिशों के बाद आज काफ़ी अच्छा सा दिन हो रहा है, यानी कि बढ़िया सी धूप आ रखी है, बादल भी हैं आसमान में, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा सा महसूस हो रहा है। मॉर्निंग के अभी करीब 8:30 बज रहे हैं और मैं डेयरी जाके आ गया हूँ, घर पे पहुँचने वाला हूँ। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत ही करते हैं और दिन की शुरुआत ही करते हैं। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग जी फाइनली ना अपना नाश्ता वगैरह हो चुका है और धूप काफ़ी मस्त आ रखी है, मौसम काफ़ी शानदार सा बना हुआ है। मेरे भी बहुत सारे काम हैं, धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा। बारिश होने के बाद जो अभी मौसम बन रहा है ना पहाड़ों पे, जो धूप आ रखी है, उसके बाद जो सीन्स आ रहे हैं, एक बार व्यू चेक करिए फ्रेंड। तो देखा दोस्तों, कितनी प्यारी सी धूप आ रखी है और कितने प्यारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, और धूप उतनी ही खतरनाक लग भी रही है। तो सीन ये था ना, आज से आने वाले थे यहाँ पर मिस्त्री हमारे घर पे, क्योंकि मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, प्लास्टर वगैरह करना था। धूप भी बढ़िया सी आ रखी थी लेकिन आज उनको टाइम मिल नहीं पाया, अब वो आएंगे कल से। लेकिन मेरा सीन ये है ना, बहुत सारा काम मेरे को है अंदर, मैंने समेटना है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर रखनी है, ताकि कल से जब मिस्त्री जी आए ना, उनको एकदम खुला खुला सा मिले और कल से हमारा प्लास्टर का काम शुरू हो जाए। तो फ्रेंड, रेता वगैरह ना सब इकट्ठा कर रखा है हम लोगों ने। और प्लास्टर तो आज से ही होना था लेकिन आज मिस्त्री आ नहीं पाए, तो कल से प्लास्टर होगा। थोड़ा बहुत जो समेटना समेटना है ना, वो मैं कर लेता हूँ। पूरा प्लास्टर करना है, बाहर भी प्लास्टर करना है, अंदर दो कमरे जो हमने रेडी किए थे उन पर प्लास्टर करना है। बहुत टाइम से यह काम रह गया था। थोड़ा बहुत मटेरियल भी हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, तो सीन दिखाता हूँ मैं आपको पहले और उसके बाद लगता हूँ मैं अपने काम पे। फ्रेंड, मौसम के तो क्या कहने, चार चांद लगे हुए हैं आज, हल्के हल्के बादल भी हैं आसमान में, लेकिन सीन्स काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो चलिए, मौसम मौसम आप लोगों ने देख लिया, और जो भी मेरा काम है ना, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या करना है। तो चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले ना मैंने अंदर ये समेटने हैं, सारे सामान समेटना है। यहाँ पर तो सीमेंट ढक रखा है हम लोगों ने, बाकी आलू वालू पड़े हुए हैं ऐसे ही, बारिशों में ना हमने खोद खाद के आलू यहाँ पे यहीं पे रख दिए थे। थोड़ा बहुत यहाँ लकड़ी, इस कमरे में लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, तो ये सारा कुछ हटाना है मैंने, और एकदम रूम क्लियर देना है, ताकि कल से मिस्त्री जी आए ना, तो अब जो ये प्लास्टर बचा हुआ है दीवारों पर, ये प्लास्टर का काम वो शुरू कर सकें। आज बहुत सारा काम है, नीचे भी जैसे पत्तियाँ वगैरह बिछाई हुई हैं, तो ये सब हटाना है मैंने, एकदम क्लियर करना है, लकड़ी वकड़ी सब हटानी है यहाँ से। बाहर भी बहुत सारा काम है, यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इनको हटाना है, एकदम क्लियर मामला देना है, ताकि कल से बढ़िया ढंग से यहाँ पे काम शुरू हो सके। और बहुत टाइम लग गया इसको कम्प्लीट होने में, पहाड़ों में ना टाइम बहुत लगता है, मेहनत लगती है और साथ में लागत भी बहुत लगती है फ्रेंड। तो धीरे धीरे ना अपना जो घर है वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है, लेंटर वेंटर आगे ही पड़ गया था, अब बस प्लास्टर रहा हुआ है। तो कल से मिस्त्री लोग आएंगे तो प्लास्टर भी शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लगता हूँ अपने अब काम में। और ना अभी बादल लग चुके हैं तो थोड़ी सी धूप चली गई है, बाकी जिस समय भी धूप आ रही है ना, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। फ्रेंड, फाइनली ना मैं जो आलू यहाँ पर बिखरे हुए थे, आलू मैंने संभाल लिए हैं। चेक दिस आउट, एक कट्टा ये है, एक कट्टा ये है, दो कट्टे में आलू संभाल दिए हैं, वो वाला एरिया पूरा खाली हो चुका है। अब मैंने वो लकड़ियाँ उठानी है, कट्टे वट्टे सारा कुछ उठाना है, और साथ में पत्तियाँ हैं थोड़ी बहुत, इन पत्तियों को हटाना है, उसके बाद ये वाला रूम क्लियर हो जाता है।
फिर तो बस मिस्त्रियों का आने का है कल से। उसके बाद फटाफट से काम फिनिश करना है। ये काम पहले ही हो जाता लेकिन बीच में हमारी जो मेन फसलों का टाइम होता है ना पहाड़ों पे, उसका समय आ गया था तो काम पेंडिंग रह गया था। तो खेतों के काम निपटाने के बाद अब थोड़ा बहुत समय मिल गया है 10-12 दिन का, तो ये वाला काम भी निपटाना ज़रूरी है। आज मैं इन रूमों को, दोनों रूमों को ना क्लियर कर देता हूँ। यहाँ थोड़ी बहुत लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मैंने लकड़ियाँ उठानी हैं। बाकी ये वाला एरिया थोड़ा क्लीन करना है। इस रूम को तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इन आलू के कट्टों को रखता हूँ बाहर। तो फ्रेंड लगातार 1 घंटे से काम करने के बाद ना फाइनली मैं दोनों कमरे से जो अतिरिक्त सामान था ना यहाँ पे वो हटा चुका हूँ। मैं एक बार चेक कराता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये वाला रूम ना बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने। उस कोने में पत्थर हैं, बाकी यहाँ पे सीमेंट ढका हुआ है और यहाँ पे भी पत्थर रखे हुए हैं। जब इस पर फर्श करा जाएगा ना तभी पत्थर इस पर काम पे आ जाएंगे। बाकी जो भी और भी इस पर सामान था, आलू वगैरह जो खाली कट्टे वगैरह रखे थे, सब मैंने साइड कर दिए हैं। और वैसे ही इस रूम की बात करूँ तो इस रूम पे भी मैंने सारा कुछ हटा दिया है। यहाँ लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, सारा कुछ हटा दिया है। बाकी पत्थर वत्थर जो रखे हुए हैं ना ये हमारे काम आएंगे फर्श में। बाकी एक टेबल रखी हुई है, इसको भी मैं अभी हटा दूँगा। बाकी दोनों कमरे क्लीन हैं, बस अब मिस्त्रियों का इंतज़ार है। कल से वो आ जाएंगे तो प्लास्टर का काम शुरू हो जाएगा। बाकी लगातार मेहनत होगी फ्रेंड। अब करता हूँ थोड़ी देर आराम। और एक चीज़ और ख़ास आपको बताऊँ, अभी तक लग रही थी खतरनाक धूप, अब पूरे आसमान में आ चुके हैं बादल। तो एक बार बाहर का सीन भी चेक कराता हूँ आपको। और बाहर यहाँ पर भी बहुत सारी लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, बहुत सारा कबाड़ वगैरह रखा हुआ था, तो सारा कुछ मैंने हटा दिया है, तो क्लीन बना दिया पूरा। अब अंदर बाहर दोनों प्लास्टर बचा हुआ है तो प्लास्टर हो जाएगा कल से। बाकी मौसम देखिए फ्रेंड, एकदम से बदल चुका है और फिर से बादल आ चुके हैं आसमान में। धूप चली गई है। मैं ना ऊपर छत पर चलता हूँ, छत से दिखाता हूँ आपको नज़ारे। शानदार से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड फाइनली ना इस समय हो रहा है दोपहर के करीब 1:30 बजे का, और फाइनली लंच टाइम हो चुका है और मैं खाना वाना खा रहा हूँ। खाने में है मेरा रोटी और सिंपल दाल, क्योंकि मेरे को हो रखा है टाइफाइड, तो मैंने ना चावल वगैरह तो खाना नहीं है, तो सिंपल दाल रोटी खा लेता हूँ। इस समय ना फिर से धूप आ चुकी है और काफ़ी मस्त मौसम दिखाई दे रहा है। तो हेलो जी, गुड इवनिंग। अभी समय हो रहा है ना शाम के करीब 4 बजे का, और अभी तक खाना वाना खाने के बाद आराम कर रहा था। तो अब सीन ये है ना, मुझे जाना है खेतों की तरफ, क्योंकि मम्मी और भाई गए हैं नाशपाती तोड़ने, तो वो लोग तोड़े होंगे नाशपाती, तो उसको मैं लेके आऊँगा घर पर। और शाम के 4 बजे के समय में जो सीन्स बन रहे हैं ना, अभी जो मौसम बना हुआ है, बादल भी आ रहे हैं, धूप भी आ रही है, तो एक अलग सा मौसम बना हुआ है। एक बार मौसम भी दिखाता हूँ आपको शाम का। दोस्तों ये चेक करो, अभी तो धूप आ रखी है ना, लेकिन आसमान में बादल भी आ रखे हैं। तो किसी समय धूप आ जा रही है बढ़िया सी, किसी समय बादल लग जा रहे हैं। इस तरफ को सबसे ज़्यादा बादल हैं आसमान में।
तो चलिए मैं भी चलता हूँ खेतों की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन्स हो रहा है और कितनी नाशपाती अभी तक तोड़ चुके हैं मम्मी लोग। गाइस आज बहुत दिनों बाद ना घर के काम भी मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है। करीब हफ्ते 10 दिन से मैं बेड पे ही था, आराम कर रहा था क्योंकि टाइफाइड हो रखा था, जैसे कि कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया। तो अभी जा रहा हूँ मैं खेतों की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि नाशपाती कहाँ पर तोड़ रहे हैं मम्मी लोग, और उसके बाद नाशपाती लेके आऊँगा घर पर। यहाँ ना पूरे बैगन लगा रखे हैं खेत पे, यहाँ से यहाँ तक पूरा अभी बैगन लगे नहीं है लेकिन पौधे काफ़ी बड़े हो रखे हैं बैगन के। तो फ्रेंड पहुँच गया हूँ जहाँ पे मम्मी और भाई लगे हुए हैं नाशपाती तोड़ने में। भाई तो गया है वह पेड़ पे और मम्मी है नीचे, जो वहाँ से नाशपाती भाई तोड़ रहा है ना नीचे, मम्मी पकड़ रही होगी। तो ये सीन चल रहा है, तो फटाफट से ना पहुँचाता हूँ घर पर इसको एक राउंड। तो दोस्तों मैं ना नाशपाती लेके चल रहा हूँ घर की तरफ को, भाई और मम्मी तोड़ने में लगे हुए हैं नाशपाती, इसके बाद एक राउंड और आना होगा मेरे को खेत पे। तो फाइनली दोस्तों आज के दिन की भी शाम हो चुकी है पहाड़ों पे और कोहरा छाया हुआ है तो विजिबिलिटी उतनी खास आ नहीं रही है। ये हमारा पड़ोसी गांव सामने सूफी काफली, तो ना नज़ारे काफ़ी मस्त देखने को मिल रहे हैं और मस्त शाम हो रखी है, एकदम शांत शाम पहाड़ों की। और कल से यहाँ पर भी काम करना है, मिस्त्री जी आ जाएंगे। तो इस खूबसूरत शाम के साथ ना मैं करता हूँ अपने इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।